राजेश्वर प्रसाद गुप्ता मेरा नाम है और लगभग 58 साल से मैं सूरत में हूँ। 1958 से सूरत में आया हूँ। जब से पूरा व्यापार करते हैं, पहले आड़त का कमीशन एजेंट का काम था, अभी तमाम जो ड्रेस इस तरह रेटिंग का काम करते हैं, बिल वगैरह सब यहाँ पे देखते हुए तो हर आदमी कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके, लेकिन ठीक है फिर भी करते हैं। बताइए लगभग 15 से 20 करोड़ रुपये जैसे लागत लग जाती है, तो इस टाइप से फिर भी आवक जावक रहती है, तो ओवरऑल सब जोड़ करके हिसाब बनता है। मटेरियल तो अलग लगता ही है वैसे, बाकी सब इंक्लूडिंग कर लेते हैं। 10 से 12 आदमियों के स्टाफ के अंदर काम हो जाता है। बिल्कुल सर, स्टॉक की कोई खास बात नहीं होती है, जैसे सेल होती रहती है उसके हिसाब से अल्टा पल्टी होती है, कवर कर लेते हैं। सेल हुआ तो कपड़ा और ज़्यादा लेते हैं, लेकिन नहीं भी लेते हैं, ज़्यादा स्टॉक रखते नहीं हैं, कोई खास डिस्काउंट उस टाइम पर नहीं देते हैं। सरे राज जो रहता है वही फिक्स रहता है, कोशिश करते हैं नहीं डूबता। बाकी जो कोई पार्टी रह जाती है तो मजबूरी रहती है, बाकी लगभग नहीं डूबने देते। चाहते तो इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन सेल नहीं पकड़ में आती है, मंदी बहुत बड़े हिसाब है, आजकल कपड़ा बिकता नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। नहीं पार्टनर की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे बच्चे घर देते हैं सब काम करने का, नहीं कोई पार्टनर रखने की जरूरत नहीं समझते हम लोग, हमारे पास पूरी सब चीज़ है, बिजली अपने हैं जो वहाँ से सब काम कर लेते हैं।